स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। सहरसा के लाल ने दक्षिण अफ्रीका युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद अरबाज अंसारी हाटे बाजार एक्सप्रेस से सहरसा स्टेशन पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे की धुन पर अपने साथियों के साथ अरबाज अंसारी चिरकने लगे और बेहद उत्साहित दिखे। बिहार के सहरसा निवासी अरबाज अंसारी ने गोल्ड मेडल जीतकर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। पदक जीतने की सूचना जैसे ही सहरसा पहुंची, लोग जश्न मनाने लगे। ज्ञात हो कि बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में हुए पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 के फाइनल में सहरसा के अरबाज ने जीत हासिल की। अरबाज की इस उपलब्धि की सूचना जैसे ही मिली कि पूरा सहरसा जश्न के माहौल में डूब गया। सहरसा के मीर टोला निवासी मोहम्मद निसार के पुत्र अरबाज 15 से 21 नवंबर तक चले इस प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहां दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में रविवार को सहरसा के लाल ने जीत का झंडा गाड़ दिया। विगत कई वर्षों से वो अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में खेल रहे हैं। इसमें उन्हें कई महत्वपूर्ण सफलता भी मिल चुकी है। इससे पहले मंगलवार को युगांडा में जिस तरह अरबाज अंसारी ठहरे थे, उनके होटल से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बम विस्फोट की खबर से उनके परिजन व रिश्तेदार चिंतित हो गए थे। लेकिन अरबाज अंसारी ने कहा कि हमारे कोच ने हमारा हौसला ध्वस्त नहीं होने दिया और हम लोग हिम्मत और लगन से मैच खेलकर अपने देश के नाम गोल्ड मेडल जीत लिए। देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सबका जो हमारे साथ हैं और हमारा साथ दिए हैं अभी तक। स्पेशली थैंक टू मेरे भाई अब्दुल अहद अंसारी और मेरे घर वालों जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जब वहाँ पे मैं गया था खेलने के लिए, तो एक दिन बाद टूर्नामेंट के फर्स्ट डे में हम लोग वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया था, जो कि मतलब काफ़ी मतलब कुछ प्लेयर, मैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस गेम में था, गेम खेल रहा था, मेरा मैच चल रहा था, बाकी के जो कुछ प्लेयर्स थे जो बस में बैठ ही रहे थे और कुछ प्लेयर्स होटल्स में थे, तो वो काफ़ी डर गए थे ब्लास्ट से, क्योंकि वो तकरीबन 100 मीटर्स के रेंज में ही हुआ था और काफ़ी साउंड आया था, तो उससे काफ़ी सारे प्लेयर डर गए थे। बट हम लोगों के कोच ने वहाँ पे, हेड कोच जो है गौरव खन्ना सर, उन्होंने सिचुएशन को संभाला और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साथ दिया। फिर डे बाय डे फिर मैच हुआ हम लोगों का, वो मैच खेलते उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, सारी भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, 47 टोटल मेडल आई। इस बार इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि आई है युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में, और वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल रहा है, जो कि मेंस डबल्स SL3 SL4 कैटेगरी में मैंने प्राप्त किया है। जीत हासिल किए हैं, क्या कुछ कहेंगे अपने पेरेंट्स के लिए? आखिर किनका हाथ रहा जो इतनी बड़ी कामयाबी तक पहुंच गया? हाथ का अगर बात किया जाए तो हाथ सभी लोगों का रहा है, जो मतलब मैं देखता था कभी कभी मोबाइल, तो मुझे इतने सारे नोटिफिकेशन आते थे, मैं पर्सनली बहुत कम लोगों को मैसेज कर पाया हूँ, और उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहता हूँ सबसे कि नहीं कर पा रहा हूँ सब, क्योंकि रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ, मैसेज तो इतने आ रहे हैं कि मैं नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ खुद से। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों का,